हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हितेश भारद्वाज की बायोग्राफी के बारे में, पूरी जर्नी शेयर करेंगे एंड साथ में कुछ अननोन फैक्ट्स एंड स्टोरीज भी शेयर करने वाले हैं जो कि इससे पहले आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें ज़रूर फॉलो करें। हितेश भारद्वाज जो कि एक एक्टर, मॉडल, एक एंकर एंड एक पोइट भी हैं। हितेश का जन्म 23 दिसंबर 1991 मथुरा उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। एंड अगर हम बात करें हितेश की फैमिली के बारे में, हितेश के फादर का नेम है राकेश भारद्वाज एंड मदर का नेम है कुसुम लता। मॉम डैड के अलावा हितेश का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है राहुल भारद्वाज। हितेश की करंट एज है 31 ईयर्स। एंड आइए अब बात कर लेते हैं हितेश की एजुकेशन के बारे में। हितेश ने अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की है आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा से एंड अपना कॉलेज कंप्लीट किया है सेंट जॉन कॉलेज आगरा से। एंड अब बात कर लेते हैं हितेश के मैरिटल स्टेटस के बारे में। जनवरी 2019 में हितेश ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सुदिति श्रीवास्तव के साथ शादी की। आप में से कई लोग शॉक में भी आ गए होंगे क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये मैरिड हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी शादी हो चुकी है। एंड आइए अब बात कर लेते हैं हितेश के करियर के बारे में कि आखिर किस तरीके से एक्टिंग में अपना करियर स्टार्ट किया। हितेश ने अपने करियर की स्टार्टिंग एज ए न्यूज़ एंकर की थी। करियर के बहुत ही इनिशियल डेज में हितेश ने सिर्फ 2000 रुपये महीने में एक लोकल न्यूज़ चैनल पर हेडलाइंस पढ़कर कमाए थे और उसकी पहली सैलरी 2000 रुपये थी। एक्टिंग से पहले हितेश ने बिग FM 92.7 में एज RJ भी काम किया है। यह 2012 में हितेश ने अपने करियर का पहला टेलीविजन डेब्यू दिया जो था टॉपर ऑफ द ईयर। 2014 में हितेश ने काम किया लव बाय चांस जिसके अंदर हितेश ने आदर्श शर्मा का रोल प्ले किया था। इसी साल एक और शो में काम किया मिलियन डॉलर गर्ल। 2015 में सीरियल अगर तुम साथ हो में काम किया एज ए रवि के रोल में। 2019 में हितेश को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया कलर्स टीवी के शो खतरा 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 में। इसके बाद आता है हितेश के करियर का टर्निंग पॉइंट जहां पर हितेश को एज अ पहचान मिलने लगी जो था 2019 में सीरियल छोटी सरदारनी जिसके अंदर हितेश ने मानव का रोल प्ले किया था एंड ऑपोजिट रोल में थी निमृत आहलूवालिया। एंड ईयर 2021 में सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी में काम किया, काफ़ी अच्छा लोगों ने इसमें भी पसंद किया। एंड इसी साल 2021 में सीरियल इस मोड से जाते हैं सीरियल में काम किया। एंड अभी फ़िलहाल यानी कि 2022 में अभी आप लोगों को हितेश नज़र आ रहे हैं कलर्स टीवी के सीरियल उडारिया में एज अ एकम का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हितेश की कुछ हॉबीज़ के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि हितेश को ट्रैवल करना, डांस करना, उसके अलावा कुछ पोएट्री लिखना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हितेश अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और उनकी जर्नी जानकर अच्छा लगा होगा, उनके बारे में जानकर अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि हितेश के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द वीडियोज़ नोटिफिकेशन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड बजेंगा। थैंक यू।